सीएम शिवराज ने राज्य वन शहीद स्मारक और चंदनपुरा नगर वन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह और वन राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी समेत वन विभाग के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नए वन भवन परिसर में वन शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बलिदान हुए वन कर्मियों के स्मरण में बनाया गया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने भोपाल के चंदनपुरा में बने नगर वन का भी वर्चुअली लोकार्पण किया। इसके अलावा इको पर्यटन विकास बोर्ड के फ्लैगशिप कार्यक्रम अनुभूति वर्ष 2022-23 के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर अनुभूति रिपोर्ट का भी मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। कार्यक्रम में वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह और वन राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी समेत वन विभाग के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय है उनका कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वनों की सुरक्षा का काम किया है और उन्हीं की स्मृति में आज वन शहीद स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक हमें सदैव उन शहीदों की स्मृति दिलाता रहेगा और हर साल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हम उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाए ऐसा प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे वन मंत्री कर्मठ नेता डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, हमारे नव नियुक्त राज्य मंत्री भाई श्री राहुल सिंह लोधी जी, भाई सतेंद्र भूषण जी मध्य प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश राज्य के वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वन कर्मियों के बलिदान को आने वाली पीढ़ियां जाने, इसके लिए स्मारक बनाया गया है। सफेद संगमरमर के विशाल स्तंभ में मध्य प्रदेश का नक्शा, बीच में राज्य वृक्ष बरगद और मध्य में बाघ बना हुआ है। स्मारक के निचले भाग में काले संगमरमर के ऊपर उन कारकों को दर्शाया गया है जिनके कारण वन कर्मी बलिदान हुए। इनमें जंगली जानवरों के हमले, बंदूक की गोली, धारदार हथियारों के हमले से, वन क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से एवं जंगलों की भयानक आग में गिरकर हुई मृत्यु को दर्शाता है। देखिए, मैं अभी कहा मैंने मैडम को, हमारे वन विभाग के जो शहीद हैं उनका दर्जा किसी भी हालत में हम लोग कम नहीं मानते। आज आप देखेंगे कि ये जंगलों की जो सुरक्षा करते हैं, जंगल की नहीं करते, ये जैव विविधता की सुरक्षा कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन की सुरक्षा कर रहे हैं, एक तरीके से ये हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, प्राणी मात्र की सुरक्षा कर रहे हैं, सिर्फ वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा नहीं कर रहे। और ऐसे परिस्थितियों में जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो हम उनमें शहीद के दर्जे के साथ साथ सल्यूट करते हैं। आज इस शहीद स्मारक का वन भवन में शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। आने वाले समय में कोई भी हमारा वन कर्मचारी शहीद ना हो, इसलिए कानून में परिवर्तन, नियम में परिवर्तन, तत्काल जंगल काटने वालों की जमानत वही हो जाती है। जो बड़े से बड़ा वन अपराध है, नियम कानून सख्त होना चाहिए ताकि किसी आदमी की जान लेना और किसी पेड़ की जान लेना बराबर माने, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जब तक हम नियम कानून कठोर नहीं करेंगे हम जंगलों की सुरक्षा में जो चाहते वो नहीं कर पाएंगे। आज जिन कर्मचारी अधिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान करके वन पर्यावरण ऑक्सीजन जंगल और वाइल्ड लाइफ बचाया है, आज उनको सलूट करता हूँ। चंदनपुरा में बाघ विचरण क्षेत्र में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत बना नगर वन 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस नगर वन के लिए केंद्र सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन ने 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। यह पिछले साल ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन नगर वन की बाउंड्री को छलांग लगाकर एक बाघ के अंदर आ जाने से इसका शुभारंभ रोक दिया गया था, जिसके चलते नगर वन को बाघ से सुरक्षित करने के लिए 11 फीट की ऊंची टाइगर प्रूफ फेंसिंग लगा दी गई है। पहले नगर वन में मुख्यमंत्री जाने वाले थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण वहां कीचड़ हो गया, इसीलिए लोकार्पण कार्यक्रम वन भवन परिसर से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।